जस्मीन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आवाज हर राज्य में बुलंद हो रही है। यहां अब नागरिकता संशोधन कानून का ही मामला नहीं, महंगाई का मामला भी जुड़ गया है और तमाम जनता सिर्फ एक ही परेशानियों से नहीं जूझ रही, तमाम परेशानियों से जूझती हुई नजर आ रही है, संघर्ष कर रही है। संघर्ष का दौर यूं ही चलता रहता है और जनता परेशान रहती है। अब ऐसे में एक और संघर्ष जुड़ चुका है और इस संघर्ष के रास्ते पर जनता अपने हक की लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है। यहां अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बजट सत्र पेश होना था, बजट सत्र था और उस दौरान विधानसभा में चर्चा होने से पहले ही विरोध शुरू हो जाता है, हंगामा शुरू होता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कुछ भी कड़े कदम उठाए नहीं जा रहे हैं और ना ही महंगाई को लेकर कोई कदम उठाए जा रहे हैं। महंगाई भी बढ़ रही है, जनता की परेशानी भी बढ़ रही है और तो और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कोई भी सुधार नहीं हो रहा। जैसे कि तमाम लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसे ही लखनऊ में वहां विरोध देखा जाता है। संसद के बाहर विपक्ष पार्टियां, कांग्रेस पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, वहां के सभी कार्यकर्ता विरोध दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहां पर तमाम लोग नारेबाजी कर रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि भाजपा के राज में कब तक हमें सहना पड़ेगा महंगाई और ऐसी नीतियां जिसके खिलाफ जनता को परेशानी हो रही है, हमें भी परेशानी हो रही है। इस रिपोर्ट में खास तौर पर देख सकते हैं कि क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं और ये वीडियो जब आप देखेंगे तो आप भी सोचेंगे कि बजट पेश होने वाला है, बजट सत्र का वो है और उस दौरान किस तरीके से विरोध हो रहा है। इस वीडियो में देखिए विपक्ष पार्टियां किस तरीके से अपना विरोध जताती हुई नजर आ रही है। ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दमन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, दमन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, नौजवानों को रोजगार दो। जैसा कि आपने देखा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे और वो सीधे तौर पर उनके हाथों में पोस्टर थे, पोस्टर में महंगाई का जिक्र भी था, किसानों का जिक्र भी था और नागरिकता संशोधन कानून के पोस्टर भी थे, तमाम चीजें उनके हाथ में थी। संसद के बाहर हंगामा हो रहा था लेकिन इस पर कोई कड़ा एक्शन फिर भी नहीं लिया जाता, इसके बारे में नहीं सोचा जाता और ये यूं ही चलता रहता है। अब इसी को लेकर क्या कुछ यहाँ पर कार्यकर्ता कहते हुए नजर आ रहे हैं इस वीडियो में सुन सकते हैं। देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कार्यकर्ता कहते हुए नजर आ रहे हैं नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ, किसानों की हत्या को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर। देखिए इस वीडियो में इन सब मुद्दों से ध्यान हटा सरकार ने, केंद्र की सरकार ने जो संविधान लोकतंत्र जनतंत्र इसके विरोध में जो प्रदेश में लखनऊ, इलाहाबाद, आजमगढ़, गोमती नगर विभिन्न जिलों में संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, जनतंत्र बचाओ का नारा लेकर के, राष्ट्रीय झंडा लेकर के, संविधान लेकर शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं, उन पर लागू कर रहे हैं, उनके कम बच्चे भी जा रहे हैं, उनके बैठने की जगह पानी भर दिया जा रहा है, महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, इन सारे मुद्दों को क्योंकि चरण सिंह देश को आजादी कराने में अपनी भूमिका निभाई, मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने इनकी आत्मा से हम लोग कहने आया है, इन सारे मुद्दों से सरकार को सावधान करिए, महंगाई कम करें, भारतीय कम करें, किसानों का उचित मूल्य दे, फसल कानून पे होता नहीं, हम लोग सदन से लेकर के सड़क तक लड़ाई लड़ करके इस जाली संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी और तानाशाही सरकार को हटाने का काम करेंगे। सर विधानसभा के बाहर तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या अंदर भी आपका यही रहेगा? हर दिन हम लोग सारे मुद्दों को उठाएंगे,
सरकार से चाहेंगे कि जवाब, सरकार नहीं जवाब देगी, हम लोग सड़क पर लड़ेंगे, चाहे वो महिला अपराध हो और सरकार से जवाब मुद्दे पर सरकार को। जैसे कि अब सभी चीजें आपने देख ली, देखा कि किस तरीके से अब एक मुद्दा नहीं रहा है, अब तमाम मुद्दे एक साथ जुड़ते जा रहे हैं, विरोध बढ़ता जा रहा है, मुद्दे कम नहीं बढ़ते जा रहे हैं और सरकार के कानों पर कुछ भी रेंगता हुआ नजर नहीं आता, ना वो अपनी आंखें खोल रही हैं, ना अपने कान खोल रहे हैं। लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है और खस्ता हालत, धीमी हालत सरकार की दिखाई दे रही। अब इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत और ऐसी बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।